हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। सॉरी मैं फिर 2 दिन नहीं आ पाई। आज मैं आई हूँ नर्सरी और केजी की क्लासेस लेके। आज हम ये 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, फिल विद वॉवल्स, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स, हाउ टू राइट स्वर अ एंड हाउ टू राइट स्मॉल ई। वॉवल्स आपको मैंने बताई दिए थे, 5 तरीके के वॉवल्स थे, ए ई आई ओ यू। तो ये 4ों पॉइंट आज हम कवर कर लेंगे और भी अगर टाइम होता है तो कुछ और भी कवर मैं करवा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। ये 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये बच्चों को हमेशा याद रहने चाहिए कि ये 5 वॉवल्स होते हैं। अब आप इस तरह से वर्ड्स लिखेंगे। नंबर 1 वर्ड लिखती हूँ, बी स्पेस जी। तो इस स्पेस में बच्चे को भरना है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ, एस स्पेस टी, जिसमें बच्चे बीच में वॉवल्स भरेंगे। नंबर 3 आ जाएगा, एम स्पेस जी। नेक्स्ट है, इसी तरह से कुछ वर्ड्स मैं अभी 4-5 वर्ड्स का ही एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आप ज़्यादा भी इन बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे को वर्ड्स फॉर्मेशन आएगा बनाना और बच्चे को पता चलेगा कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, कि प एन पैन भी हो सकता है, प एह न पेन भी हो सकता है, और एच ओ टी हॉट भी हो सकता है, एच यू टी हट, एच आई टी हिट, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से बच्चा भरेगा, बी के बाद बी ए जी बग, बैग भी हो सकता है, बी यू जी बग भी हो सकता है, एस ई नहीं आएगा। बच्चा एक एक लगा के देखेगा कि कौन सा वर्ड बन रहा है। इस तरह से पेन हॉट, मैंने एक एक वॉवल्स का सब का एग्जाम्पल दे दिया है। आप इस तरह से कई वर्ड्स बच्चों को दे दीजिए, बच्चा सारे वॉवल्स जो है ईजिली लर्न कर लेगा इससे। अब नेक्स्ट आता है मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी मिसिंग अल्फ़ाबेट्स की। क्या होता है, कई बार बच्चा पूरा ए टू जी लिखने में आलस करता है, मतलब बच्चे का मन नहीं होता कि पूरा वो ए टू जी पूरा कंप्लीट करके। अगर बच्चों को कह देंगे आप कि पूरा कंप्लीट ए टू जी लिखो, तो वो बच्चे का कई बार मन नहीं होता। तो आप इस बच्चे को इस तरह से मिसिंग अल्फ़ाबेट्स दीजिए, इससे बच्चे को ए बी सी डी भी पूरा आ जाएगा और मिसिंग अल्फ़ाबेट्स में बच्चा बीच बीच में भरेगा तो उसका मन भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपके काम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस देखकर, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, ये मैंने एल एन ओ, बस एन ओ तक दिया है, उसके बाद आप बच्चा इसमें फिल करेगा। तो 2 एक्टिविटीज़ ये हो गई है, फिल विद वॉवल्स एंड मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। मिसिंग अल्फ़ाबेट्स में बीच में करेंगे। जो ये वाली है फिल विद वॉवल्स, ये है केजी की एक्टिविटी। केजी क्लास के बच्चे इसको इजीली कर लेंगे, एलकेजी या यूकेजी के बच्चे। और जो दूसरी थी वो नर्सरी की रहेगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ई आपको किस तरह से लिखने सिखाना है। हाउ टू राइट कर्सिव राइटिंग ई, स्मॉल ई मैं बताऊँगी। सी और डी काफ़ी बच्चों ने सीख लिया होगा। मतलब ये वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों को किस तरह से घर में पढ़ा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश की कॉपी में ये 4 लाइंस होती हैं। 4 लाइन में जो 3rd लाइन होती है, ईच कर्सिव राइटिंग लेटर शुड बी स्टार्ट विद 3rd लाइन। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आपको ई लिखना है। मैं फिर से बताती हूँ, स्लांटिंग लाइन गोल घुमा के सी। देखिए फिर से बताती हूँ, स्लांटिंग लाइन कर्व करके ऊपर से ला के सी, इस तरह से बनेगा स्मॉल ई, स्लांटिंग लाइन कर्व करके। अगर बच्चा इस तरह से लिखता है ना खाली, तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। और अगर बच्चा इस तरह से भी लिखता है ना ऐसे करके, वापस करके ज़्यादा बड़ा कर देता है, तो ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन है, ये तो ई बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ई का एक पे जरूर करवाना है, स्लांटिंग लाइन लूप बना के कर्व, स्लांटिंग लाइन लूप बना के कर्व, ये आ जाता है स्मॉल ई कर्सिव राइटिंग का इंग्लिश में। इस तरह से आपको पूरा एक पेज करवाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज मैं हिंदी की भी क्लास लेने आई हूँ फ्रेंड्स, नर्सरी के क्लास के बच्चों के लिए। मैं आज सिखाऊंगी स्वर अ किस तरह से लिखना है। हिंदी की जो कॉपी है वो 5 लाइंस की होनी चाहिए इस तरह से, और बीच की जो 3 लाइंस होती हैं, 3 ग्रे लाइंस, उस पर हम स्वर लिखते हैं। मोस्टली जो सारे स्वर हैं वो बीच की 3 लाइंस पर ही लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक राइट कर्व बनाना है, एक और राइट कर्व मींस उल्टा सी, और ये जाएगा सीधा ऊपर बीच वाली लाइन से, जो बीच की लाइन है उससे टच होएगा।
फिर एक स्लीपिंग लाइन छोटी सी और देन स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर इसका टॉप कर देंगे कवर स्लीपिंग लाइन से। इस तरह से अ लिखना है, स्वर अ होता है, अ से अनार। कर, अगेन वन मोर कर, टच होएगा मिडल लाइन से, मिडल लाइन से टच होना ज़रूरी है, देन स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, और उसके बाद बन जाएगा स्लीपिंग लाइन। इस तरह से प्रॉपर आ बनता है स्वर आ। इसका भी आपको बच्चों को एक पेज करवाना है, नर्सरी क्लास के बच्चों को, और किसी किसी स्कूल्स में एलकेजी में सिखाया जाता है ये चीज़। तो इस तरह से आप प्रॉपर आ लिखवाइएगा, स्मॉल ओ सॉरी स्वर आ हिंदी में। फ्रेंड्स चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बड़ा आ। बड़ा आ किस तरह से लिखना है, आ से आम। जो भी आप स्वर करवा रहे हैं उसके साथ पिक्चर ज़रूर बताइए कि इससे क्या होता है, अ से अनार, आ से आम। कल मैं आपको पिक्चर के साथ आइडेंटिफिकेशन इसका बताऊंगी। इसमें भी सेम ही है, आप लिखेंगे पहले अ से अनार और साथ में एक स्टैंडिंग लाइन और लिखेंगे, और ऊपर पूरी स्लीपिंग लाइन मतलब पूरे आ को कवर कर दे। जो एक कर्व बनेगा, एक और कर्व जो मिडल लाइन को टच होता है, देन स्लीपिंग लाइन, देन यू हैव टू राइट एक वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन मोर स्टैंडिंग लाइन। बड़ा आ, बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आम बच्चों ने सीख लिया है, स्वर अ लिख लिया है। चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस मेरी देखते रहिए और कमेंट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।